प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे किए हैं। बुधवार को ईडी ने दावा किया कि टीएमसी प्रवक्ता ने चंदे के माध्यम से जमा किए गए लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि को कथित तौर पर चुनाव जीतने, खाने पीने और व्यक्तिगत खर्चों में उड़ा दिया। इतना ही नहीं, इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक करीबी सहयोगी से मिले 23 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने साबरमती जेल से 45 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद यहां एक स्थानीय अदालत में सौंपे गए अपने रिमांड नोट में ये आरोप लगाए। गिरफ्तारी के बाद गोखले को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया था, जिसने उन्हें 31 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अदालत को बताया कि गोखले ने कथित तौर पर एक संस्था के नाम पर ourdemocratic.in नाम से एक फर्जी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार किया, जिसके जरिए उसने जॉइंट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी के माध्यम से शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों से छोटी बड़ी रकम इकट्ठा की और व्यक्तिगत खर्चों के लिए इसका इस्तेमाल किया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि जब गोखले से एक साल की अवधि में उनके बैंक खातों में जमा किए गए 23.54 लाख रुपए के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया संबंधी कार्य और अन्य परामर्श के लिए ये राशि कांग्रेस के अलंकार सवई की ओर से नकद में दी गई थी। जानकारी के अनुसार पूर्व बैंकर सवई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी सहयोगी बताए गए हैं और उनकी शोध टीम के प्रमुख हैं। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने गोखले को दिसंबर में चंदा जमा कर जुटाई गई रकम के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में गोखले को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही वो अदालत का रुख करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।